हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट नॉलेज ब्रिक्स। फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्जेंट एक्शन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। सिंपल एंड इजी तरीके जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। हमारे प्लेनेट पर 8 मिलियन स्पीशीज हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मिलकर हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं, इसलिए यह ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं क्योंकि यह हमें सांस लेने में मदद करता है, खाने की चीज़ें प्रदान करता है और हमें फ्रेश वाटर भी देता है। यह सभी चीज़ें हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी हैं। बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत से थ्रेट से भी बचाता है, जैसे पॉल्यूशन, फ्लड, क्लाइमेट ब्रेकडाउन एटसेट्रा। नेचर हमें बहुत कुछ देता है, जैसे ऑक्सीजन, प्योरीफाइड वाटर, मेडिसिन, वैरायटी ऑफ फूड एटसेट्रा। यह सॉइल फर्टिलाइजेशन में भी हमारी मदद करता है। हमारी डिमांड नेचर से कभी ख़त्म नहीं होती, हम पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट हैं। पिछले 50 सालों में पॉपुलेशन डबल हो गई है, जिसके वजह से ग्लोबल इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल ट्रेडिंग यानी कि अपने देश के बाहर से सामान खरीदना या बेचना, यह भी लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इसका सीधा इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पहुंच रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सन 1974 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। हर कोई यानी कि गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, कम्युनिटीज, सेलिब्रिटीज इस दिन अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करती है और अलग अलग एनवायरनमेंट इश्यूज पर फोकस करती है। अगर हम अपने नेचर पे ध्यान ना दें तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हैबिटेट लॉस, जंगलों को काटना, नदियों समुद्रों को प्रदूषित करना, प्लास्टिक को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, यह सबसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट को खोते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, अपने नेचर के साथ छेड़खानी करने के कारण क्लाइमेट में बहुत सा फर्क देखा जा रहा है। अगर यह कंटिन्यू रहा तो आने वाले समय में कुछ क्लाइमेट पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे, जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, आइलैंड पानी से कवर्ड हो जाएंगे। अर्बनाइजेशन, इसका मतलब है कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। लोग अब रिसोर्सेज को भी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, लेकिन यह रिसोर्सेज हमें नेचर से ही मिलते हैं, जिसका पूरा इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने नेचर को नष्ट होने से कैसे बचाएं। तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है, जैसे पानी को बचाएं, बाहर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का यूज़ करें, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही सामान खरीदें, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होने से बचाएं, बेकार में पंखे, लाइट, एसी खुले ना छोड़ें, सोलर एनर्जी को अपनाएं, प्लांटेशन, गार्डनिंग इन सब की आदत डालें, नाइट पार्टी को अवॉइड करें। दिन में पार्टी ऑर्गेनाइज करने से लाइट की बचत की जा सकती है। गिफ्ट में हैंडमेड ग्रीटिंग या लोकल फल फूल ही दें। बाहर के खाने को अवॉइड करें क्योंकि वह प्लास्टिक कंटेनर में मिलता है, जिससे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। चिड़िया को पानी पिलाएं, अननेसेसरी पेपर वेस्ट से बचें, बेवजह फोटोकॉपी ना कराएं। उज्जवल शिखर जन कल्याण समिति ने पेपर वेस्ट को रोकने के लिए एक स्टेप लिया है, पेपर बैग, जिसमें वह कागज जो अक्सर बच जाते हैं या सिर्फ एक तरफ ही लिखे होते हैं उससे रजिस्टर बनाकर गरीब बच्चों में बांट देती है। तो आप भी हमारी सोसाइटी को ऐसे पेपर डोनेट कर सकते हैं। पेपर डोनेट करने के लिए या किसी भी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोसाइटी लिंक पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।